बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज की सीरीज में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें इफ प्लस कंडीशन भी कहा जाता है या कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। आज के हमारे सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम जानेंगे कि व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप्स of conditional sentences, then formation of conditionals, mixed conditionals, और हम इस टॉपिक का लास्ट में एक रिव्यू भी लेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए जो हम सेशन में पढ़ेंगे बाद में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है, although most students focus on three types, यानी वो समझते हैं कि कंडीशनल की तीन टाइप्स होती हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, लेकिन बेसिकली इसमें ओवरऑल जो है वो पांच टाइप्स हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इसी तरह से मिक्स। तो ये जिन में आपने रखना है कि इसकी जो टोटल एक्चुअल कंडीशंस हैं वो पांच हैं, और साथ में जो कंजंक्शन इफ है ये एक जो है वो कॉमन है जो कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिंक करने के लिए हम इफ इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। कहीं पे हम वेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पे जो जीरो कंडीशन है वहां पे वेन भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इफ और वेदर जो है ये बेसिकली नॉर्मल जो है वो कंजंक्शन हैं जो कि इसमें ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ये फॉर्मेशन होती है किसी भी कंडीशनल सेंटेंस की। सबसे पहले इफ क्लॉज होती है और उसके बाद फिर मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में आपको कंडीशन होती है और मेन क्लॉज में आपको रिजल्ट होता है। आप इस फॉर्मेट को जो है वो आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिस तरह नीचे लिखा हुआ इफ क्लॉज की बजाय आप सबसे पहले अगर मेन क्लॉज ले रहे हैं तब भी ठीक है, और बाद में इफ क्लॉज आप रख रहे हैं तब भी ठीक है। तो आइदर फॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल, वेदर यू आर यूजिंग इफ क्लॉज फर्स्ट एंड मेन क्लॉज लेटर तब भी ठीक है, और वेदर यू आर यूजिंग मेन क्लॉज फर्स्ट एंड एडिंग इफ क्लॉज जो है तब भी वो ठीक है। तो जो मेन क्लॉज है वो आपने हमेशा याद रखना है कि आप रिजल्ट की बात वहां पे कर रहे हैं कि अगर इस तरह से होगा तो ये इसका ये होगा, यानी ये चीज अगर ऐसे हो गई तो फिर इसका ये नतीजा होगा, तो वो रिजल्ट होता है और उस पर आप एक कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो इफ क्लॉज है वो बेसिकली जो है वो मेन क्लॉज की यानी इन अवे के सपोर्ट कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पे है हमें सबसे पहले जीरो कंडीशनल। इसकी फॉर्मेशन आप देख रहे हैं स्ट्रक्चरिंग, सबसे पहले इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद भी सिंपल प्रेजेंट, यानी आप जो इफ क्लॉज है वहां पे भी सिंपल प्रेजेंट ले रहे होते हैं और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट ही ले रहे होते हैं, इसके अलावा और टेंसेस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यूजुअली जो जीरो कंडीशन है इसमें हम बात कर रहे होते हैं उन चीजों के बारे में जो कि ऑलवेज ट्रू होती हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होती हैं और वो हमेशा से होती हैं, लाइकली दे यानी हैपन। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं कि इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, या इफ की जगह पे आप अगर कहेंगे कि व्हेन यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस, तो व्हेन जो है वो आप जीरो कंडीशन में यूज कर सकते हैं प्लेस ऑफ इफ। दूसरी कंडीशंस में तो नहीं किया जाता, अलबत्ता जीरो कंडीशन में किया जाता है, बिकॉज जब भी आप बात कर रहे होते हैं किसी फैक्ट के बारे में तो वो हमेशा सच ही होता है। इसी तरह से दूसरे में आप देख रहे हैं कि इफ यू हीट वाटर 100 डिग्रीज इट बॉयल्स, या आप कहेंगे कि व्हेन यू हीट वाटर 100 डिग्रीज इट बॉयल्स, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, यानी ये जो है वो ऑलवेज ट्रू है। इसी तरह से नीचे में देख रहे हैं आप इफ स्टूडेंट्स मिस एन एग्जाम द प्रोफेसर फेल्स देम, और इसी तरह से इफ माय वाइफ हैज अ कोल्ड आई यूजुअली कैच इट, कि वो जो कोल्ड होती है वो फिर एक वायरल फ्लू है तो जाहिर सी बात है अगर दूसरे को लग रहा होता है तो आई एम सपोज टू कैच इट। आई गेट टायर्ड इफ आई वर्क टू मच, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले मेन क्लॉज लगा हुआ है और इफ क्लॉज जो है वो बाद में लग रहा है। ऊपर वाले में पहले इफ क्लॉज था, बाद में मेन क्लॉज था, जो मैंने आपको भी बताया था कि बोथ जो इसकी स्ट्रक्चरिंग में जो फॉर्म्स हैं एक्सेप्टेबल होते हैं, तो आगे पीछे कर सकते हैं आप। इफ आई एम लेट फॉर डिनर दे स्टार्ट ईटिंग विदाउट मी, तो इफ आर वेन यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं दोनों, कोई वो इशू नहीं होता। तो ये है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में हम हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स पे या थिंग्स जो यानी दैट आर ऑलवेज ट्रू। उसके बाद फिर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन की स्ट्रक्चरिंग जो है वो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। जीरो कंडीशन में हमने इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट देखा था और फिर मेन क्लॉज के साथ भी सिंपल प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे उसमें जो है वो चेंजिंग आ रही है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की जगह पे सिंपल फ्यूचर है।
तो यहाँ पे यूसेज में आप देख लें कि ये कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम आमतौर पे उन चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं व्हिच आर लाइकली टू हैपन और लाइकली टू टेक प्लेस, यानी पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं होती। तो कंडीशन ये है कि जिस तरह एग्जांपल वन में आप देख रहे हैं कि इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, यानी वो आप कंडीशन रेन की बात कर रहे हैं, तो आप घर में रहेंगे, दैट इज द मेन क्लॉज, यहाँ पे रिजल्ट होगा उसका और उसकी कंडीशन जो रेनिंग की वजह से होगा। इसी तरह से नीचे दूसरा एग्जाम्पल है, इफ आई वेक अप लेट आई विल मिस द बस। तो ये इस तरह से जो है वो फर्स्ट कंडीशन में जो है वो हम बात कर रहे होते हैं इफ प्लस एनपी में। आमतौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, कॉमन एरर्स, कि वो कंडीशनल सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं अनइंटेंशनली और वो दो दफा ही जो है वो सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि वो आप कहते हैं कि इफ इट विल रेन आई विल स्टे एट होम। तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि वो बेसिकली इंग्लिश में एक मिस्टेक होती है, तो अवॉइड इट। कंडीशनल आपने अगर पढ़े होते हैं तो फिर आपको पता होता है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है और किस तरह से आपने उसको जो है वो जोड़ना होता है। सो इसीलिए कंडीशंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये कंडीशनल सेंटेंसेस आमतौर पर कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं, ये सेंटेंसेस वेरियस एग्जाम्स में। इसके बाद फिर सेकंड कंडीशन है, अब यहाँ पे प्लस पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल की जगह पे पास्ट सिंपल आ गया और साथ में प्रेजेंट कंडीशनल जो है जिसमें आप वुड आर वुडेंट आवर बेयर फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसमें इन्फिनिटिव फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। इमेजिनरी सिचुएशंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं हम सेकंड कंडीशनल में, इन प्रेजेंट आर इन फ्यूचर, और यूजली ये जो है वो यानी नॉट पॉसिबल होते हैं या अनट्रू होते हैं, यानी इफ आई वन अ मिलियन डॉलर्स आई वुड बाय अ न्यू कार, यानी पास्ट की बात है तो ये मुमकिन अब नहीं है प्रेजेंट में, कि वो कह रहा है कि अगर मैंने करोड़ों डॉलर्स जीते होते या लाखों डॉलर्स जीते होते तो शायद मैं नई गाड़ी खरीदता। तो इफ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ऑब्वियसली यानी यू कैन नॉट बी समबडी एल्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसी तरह से, अब यहाँ पे आप देखें कि आई के साथ वर इस्तेमाल किया हुआ है, अदरवाइज यूजली हम आई के साथ वज इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल में जब हम पढ़ते हैं या पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव में भी, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आई के साथ आपने वर इस्तेमाल करना है, नॉट वज। ये भी एक कॉमन एरर के तौर पे पूछा जाता है स्टूडेंट से, तो ये रूल है और कीप इन माइंड कि हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस में आई जो है वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से थर्ड कंडीशनल है, यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इफ पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में हो गया और वो वहां पे जो प्रेजेंट था वो यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशनल में कन्वर्ट हो गया, वुडंट हैव, वुडंट हैव, शुडंट हैव। यूजेज इसका जो है इमेजिनरी सिचुएशंस इन द पास्ट, और ये भी इमेजिनिंग की होती हैं, व्हिच आर ऑलवेज इम्पॉसिबल और अनट्रू, कैन नॉट हैपन। एग्जांपल्स में देख लें कि इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल आई वुड हैव बीन हैप्पी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। इफ आई हैड मेड सुजैन लास्ट वीक आई वुड हैव गिवन हर अ बुक। तो इसी तरह से बाकी इसके सेंटेंसेस देख रहे हैं, इफ द वेदर हैड बीन गुड वी वुड हैव गॉन वाटर स्काइंग, इफ यू हैड गॉट अप अर्लियर यू वुड हैव कॉट अर्लियर ट्रेन। तो ये कंडीशंस होती हैं जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इमेजिनरी सिचुएशंस इन द पास्ट व्हिच आर नॉट पॉसिबल। उसके बाद मिक्स कंडीशनल्स हैं, ये मिक्स भी हम करते हैं, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंडीशनल, ये आमतौर पे जो है वो मिक्स जो है इन अ वे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशंस को ही मिक्स कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिक्स कंडीशनल्स। इनके यूजेज जो है प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट कंडीशन, इफ आई हैड लिसन टू योर एडवाइस आई वुडंट बी इन द मेस, इन एक सिचुएशन में वो फंसा हुआ है, अब वो रियलाइज कर रहा है कि आपने जो उसे एडवाइस किया था अगर वो उसको मान लेता तो वो अब इस कंडीशन में ना होता, तो इसीलिए इनको मिक्स कंडीशंस में कहा जाता है। इफ आई हैड चेक द मैप ही वुडंट बी लॉस्ट, इफ ही हैड चेक द मैप सॉरी, इफ आई हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ। तो ये यानी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम मिक्स कंडीशंस भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसकी स्ट्रक्चरिंग और इसका यूजेज आप देख लें। इसके बाद ये इफ क्लॉजेज हैं, आप देख लेंगे इफ क्लॉज आप सिंपल प्रेजेंट में जो है वो आप जीरो कंडीशन में जो है वो आप सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं, फिर इसी तरह से आप फर्स्ट कंडीशन में भी सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे, सेकंड कंडीशन में अलबत्ता सिंपल पास्ट, और मिक्स कंडीशन में आप पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह से जो है मेन क्लॉज आप देख लें कि आप कौन कौन से जो है वो इस्तेमाल करेंगे उसमें।
तो यहाँ पे ही हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप कि आप कंडीशनल्स के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। सो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, सी यू।